लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीएसपी को एक और झटका दे दिया। आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ से मुलाकात कर बीएसपी के पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडौतिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया कि हमारी सरकार ने 76 दिनों में जिस तरह से प्रदेश के विकास का मॉडल सबके सामने रखा है, उसके बाद प्रदेश की विभिन्न पार्टियों के नेता कांग्रेस के साथ आना चाह रहे हैं और हाथ के पंजे के साथ आकर विकास में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह हमारी सरकार के आगाज का असर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज मध्य प्रदेश में एक बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक आगाज के साथ आई है और कांग्रेस ने आते ही आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे जिस तेजी से वचन पूरे करने शुरू किए, चाहे वो किसानों की ऋण माफी हो, चाहे सस्ती बिजली उपलब्ध कराना किसानों को 44 पैसे प्रति यूनिट की बात हो, चाहे शहरी बिजली 1 रुपये यूनिट, बुजुर्गों की पेंशन 300 से 600, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिससे आज लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। बेहद खुशी की बात है कि कई हमारे साथी पिछले दिनों भी शामिल हुए थे बीएसपी से और आज बलबीर जी भी शामिल हुए हैं और साथ ही नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के कई जीते हुए प्रतिनिधि भी शामिल हो चुके हैं। सब जान रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर बढ़ चुका है और इसलिए सभी कांग्रेस के साथ मिलकर